स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे जो कार्ट अप्रूवल हुआ है बीओबी, मतलब कि जो मुझे कार्ट अप्रूवल हुआ है, जो इसकी लिमिट मिली है मुझे पूरे 38,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो मुझे ये कार्ड अप्रूवल हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन मुकेश कुमार, 38,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है। जैसे मैं सिलेक्ट पे कार्ड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो कार्ड रिकमेंडेड कर रहा है, उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे बैक कर देता हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे जो मुझे कार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा इजी कार्ड मिला है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कार्ड आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा, 100% आपको ये जो कार्ड है अप्रूवल होगा। पर ये कार्ड आपको कब अप्रूवल होगा, जब आप यहाँ पे वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा कि जो पॉइंट मेरे पास नहीं थे फिर भी मैंने उसको अदर मतलब वहां से उसको अप्लाई किया और जो मेरा कार्ड है यहाँ पे अप्रूवल हो गया। 38,000 रुपए की मेरी यहाँ पे जो लिमिट है अप्रूवल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। फर्स्ट टाइम जो वियर फीस लगेगी मेरी एक साल की जो 500 रुपए फीस लगेगी, यहाँ पे लिखा है अगर मैं इसको 6,000 रुपए यहाँ पे स्पेंड करता हूँ 60 दिन के अंदर तो जो मेरी फीस है वो भी वहां से वेव कर दी जाएगी। उसके लिए आप देख सकते हैं जो एनुअल फीस लगेगी मेरी पूरी 500 रुपए की फीस लगेगी। अगर मैं वहां से 35,000 रुपए वहां पे यूज कर लेता हूं तो जो मेरी ये नेक्स्ट मंथ मेरी फीस यहां पे 500 रुपए की फीस भी यहां पे कट कर दी जाएगी। अब मैं यहां पे इसको जो कंफर्म पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कोई भी कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका वहां पे तुरंत कार्ड वहां पे डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप बीओबी का कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको 100% वहां से जो कार्ड है आपको अप्रूवल देखने को मिलेगा। आपको कार्ड कैसे अप्रूवल करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है मतलब बीओबी फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड अप्लाई। जब उस कार्ड को आपको अप्लाई करना है, जब वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ काम करते हैं तो आपको वहां पे ये सिलेक्ट नहीं करना कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। अगर आप ऑफिशियल कंपनी में किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर आप वैसे किसी कंपनी में, आप वहां से जैसी कंपनी में नाम डालोगे तो आपको वहां से किसी अदर कंपनी का नाम उठा लेना है। जैसे आप वहां से किसी अदर कंपनी का नाम उठाओगे तो सिलेक्ट करोगे, सब कुछ उसको सबमिट करना है तो आप वहां से अप्लाई करके देखो, आपको 100% वहां से जो लिमिट आपको वहां से अप्रूवल होने वाली है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लिमिट मिली है। जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूं तो कंफर्म करने के बाद मेरे पास क्या इंटरफेस आता है, अब यहां पे तो मेरे से पूरा एडिशन मतलब सब कुछ पूछ रहा है कि मतलब कि मिस्टर टाइटल पे क्या है, मतलब स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, नाम और जो मदर नेम फादर नेम जो भी है मुझे यहाँ पे सारा सबमिट करना है। बाकी मेरे पास ऑलरेडी 3 कार्ड है, मुझे इस कार्ड की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जो वीडियो आपको बताने के लिए बनाई थी कि अगर आपको अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं मिला बीओबी का तो आप जाके ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो ये कार्ड है 100% यहाँ से अप्रूवल देखने को मिलेगा। 38,000 रुपए की मुझे लिमिट मिली है, सिर्फ कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगा ना ही अभी तक मेरे पे, हो सकता है कि मेरे पे कॉल भी यहाँ पे आ सकती है। अगर मेरा यहाँ पे अकाउंट होता तो मेरे यहाँ पे कॉल भी नहीं आती। अगर आपका बीओबी में अकाउंट है तो आप जाके बेधड़क होके कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 100% आपको वहाँ पे लिमिट मिल सकती है। 1,000 से लेके 5,00,000 रुपए तक की आपको यहाँ पे लिमिट मिल सकती है। हो सकता है कि मेरा सिबिल डाउन हो इस वजह से मुझे 38,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट अप्रूवल हुई थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।